आया हूं बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी खबर इस महामारी में। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रैंकिंग है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि इस महामारी में भी जो रैंकिंग आई है उसमें जामिया का जो रैंकिंग है डे बाय डे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस साल के रैंकिंग भी मैं बताऊंगा। चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी वीडियो कर दीजिएगा। यह है आज तक की न्यूज। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में बढ़ा जामिया मिलिया इस्लामिया का कद, ये रही वजह। तो दोस्तों, कौन सी वजह है जिससे जामिया में लगातार रैंकिंग में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ऊपर जा रहा है जामिया, देश में भी और विदेश में भी जामिया का जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये कोई दिल्ली की रैंकिंग नहीं है, ये कोई यूपी की रैंकिंग नहीं है, ये कोई देश की रैंकिंग नहीं है, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2020 का, में बढ़ा जामिया मिलिया इस्लामिया के कद। क्या रही है वजह? हुई टीचिंग की तारीफ, टीचिंग की तारीफ बहुत हो रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया को मॉस्को बेस्ड राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल 2020 के लिए दुनिया भर के 1100 विश्वविद्यालय में 538वां स्थान दिया गया है। पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोपियंस हो, अमेरिकन कंटिनेंट्स हो, हर जगह की रैंकिंग जो है वर्ल्ड में 538वां स्थान है, और अपने देश में रैंकिंग 10वें स्थान पर बढ़ गई है। पिछले साल ये 11वीं स्थान पर थी। तो दोस्तों, क्या क्या तारीफ हुई है, क्या क्या रैंकिंग है, इस डिटेल में जाने के लिए मैं क्रॉस चेक किया हूं किसके वेबसाइट पे, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो वेबसाइट है उस पर हम लोग चलेंगे और वहां पर जाकर चेक करेंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जो कि रशिया की है वेबसाइट, यानी मॉस्को बेस, रशिया में है मॉस्को, और वहीं पे है ये वेबसाइट जो कि पूरी दुनिया का रैंकिंग करती है। ईमेल आईडी है info@theraterounderanking.com। ये रहा इनका नंबर, ये रहा लोगो, और ये है जामिया का रैंकिंग 2010 से लेकर अभी तक। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जामिया का जो रैंकिंग है 538 है और कंट्री रैंकिंग 10 हो गया है। अब हर साल का आप देख सकते हैं, 2010 का आंकड़ा देखना चाहे तो 2010 का भी आंकड़ा आप देख सकते हैं, राइट। 2019 का देखना चाहे तो 2019 का आप देख सकते हैं, 2019 में 11वीं रैंक पे था और वर्ल्ड में 631 रैंक पे था। 2018 का देखना चाहते हैं तो 2018 का आप देख सकते हैं, 2018 में देश में 16वां रैंक था, वर्ल्ड में 744। तो 2019 में देखिए ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, रैंकिंग जो है जामिया का डे बाई वृद्धि हो रही है 11वां स्थान पर 2019 में। अब 2020 में देखिए क्या हाल हुआ है, 2020 में जामिया का जो रैंकिंग है कंट्री रैंकिंग 10 हो गई, यानी देश में कितनी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन टॉप 10 इंक्लूडिंग IIT और IIM इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑल्सो, तो कंट्री में 10वीं रैंक है वर्ल्ड रैंकिंग। अब किस किस एरिया में इन्होंने रिसर्च किया है, अपने जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में बना है और यहां पे जो फैकल्टीज है 1100 फैकल्टीज है, स्टूडेंट है 10,650, राइट। 2020 में जो है फैकल्टीज वो 1100 है और स्टूडेंट है 10,650, तो फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट रेशियो 10:1 है। अब इन चार पैरामीटर्स पे वर्ल्ड रैंकिंग डिसाइड हुई, टीचिंग रैंकिंग जो जामिया का बहुत अच्छा इंप्रूव हुई, मतलब टीचर जामिया का बहुत अच्छे हैं, रिसर्च रैंकिंग में 684 है और इंटरनेशनल डाइवर्सिटी रैंकिंग में 704 है और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 677 है। तो ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग आई है वो देश में 10 और वर्ल्ड में 538, और आपने देखा कैसे पिछले साल से, उससे पिछले साल से बहुत आगे अब निकल गई है। वर्ल्ड रैंकिंग में टीचिंग का जो रैंकिंग है वो 186 है, राइट। इसमें कंट्री का जो रैंक है वो 8वां नंबर, यानी देश में टीचिंग में 8 नंबर पे है। वर्ल्ड में अगर रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च में 12वां नंबर पे है और वर्ल्ड में जो रैंकिंग है 684 पे। पूरा पैरामीटर्स लिखा हुआ है कि टीचिंग में इन्होंने क्या चेक किया, टीचिंग में चेक किया है एकेडमिक स्टाफ पर स्टूडेंट कितने हैं, एकेडमिक स्टाफ पर बैचलर डिग्री अवार्डेड कितने हैं, डॉक्टरल डिग्री अवार्डेड पर एकेडमिक स्टाफ, डॉक्टोरल डिग्री अवार्डेड पर बैचलर डिग्री अवार्ड, और वर्ल्ड टीचिंग रिपुटेशन कितना है टीचरों के। तो ये ओवरऑल करके आपका जो रैंक है जामिया मिलिया इस्लामिया का डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपका एक जिज्ञासा और जगह होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ाई करें जो पूरी दुनिया में इसका नाम हो और आपको नौकरी लगने में, आपके करियर सेटल होने में बहुत आसानी हो, क्योंकि पढ़ाई तो कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है, आपका कहीं सेटलमेंट नहीं होता। तो सेटलमेंट करना है, नौकरी लेना है, तो आपका अच्छा नाम भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है वहां पे पढ़ के नौकरी भी आसानी से मिलता है, और जहां पे आसानी से एडमिशन हो जाता है वहां पे नौकरी मुश्किल से मिलता है। तो आपके चॉइस में है, आपको नौकरी चाहिए, सेटलमेंट होना है, करियर को बढ़ाना है, तो टेस्ट की तैयारी करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे आपको हमेशा टिप्स ट्रिक्स मिलता रहेगा, जामिया का भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निक देश के सारे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर पीएचडी तक का सारा टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलता है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय दोस्तों।